विधायक आरिफ मसूद का उज्जैन में चाइना मांझे की वजह से छात्र की मौत के बाद की गई पुलिस कार्रवाई को लेकर बयान सामने आया है कि चाइना के मांझे की वजह से हुई एक छात्र की मौत निहायत ही अफसोसजनक है। इसके बाद प्रशासन ने अब्दुल जब्बार जैसे छोटे व्यापारी का 3 मंजिला भवन तोड़ दिया, जबकि व्यापारी जो मुख्य व्यापारी है विक्रांत जैन, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बात पर विधायक आरिफ मसूद ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा है। घटना पे चाइना डोर को लेके बड़ा पूरे प्रदेश में कल कोहराम रहा और एक लड़की उससे खत्म हुई, उसका अफसोस सबको रहा और हम लोग भी अफसोस करते हैं कि एक बच्ची की जान चली गई। लेकिन सरकार का एक रवैया ठीक नजर नहीं आया कि एक चाइना डोर के नाम पे जो बेचने वाले व्यक्ति थे अब्दुल जब्बार, उनको तो कार्रवाई भी करी, उनका मकान तोड़ा, दुकान तोड़ी, लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि ये मैंने विक्रांत साहब से ली है और ये विक्रांत होलसेलर व्यापारी है, तो एक बच्ची की जान पे एक व्यक्ति पर तो आई, लेकिन यही जो अनेकों जगह जो थोक व्यापारी ने बेची, सरकार ने क्यों कार्रवाई नहीं करी? तो वहां के जिला प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष नहीं रहा, तो मैंने अभी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से बात भी करना चाहिए और मैंने उनको अभी पत्र भी लिखा है और मैंने उनको अवगत कराया कि ये घटना अफसोसनाक है और ऐसे व्यापारी को भी पकड़ना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए जिससे बाकी बच्चियों की जान या बच्चों की जान बचाई जा सके। तो ये चुनावी प्रोपोजेंडा है या सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कोई एक्शन है? नहीं देखो, इसको आप हिंदू मुसलमान से मत जोड़ो, इसको आप एक इंसानियत से जोड़िए। किसी भी एक बच्ची की जान गई है तो सभी लोगों को उस पर अफसोस है, लेकिन मैंने कहा ना कि मैंने गृह मंत्री को अवगत कराया है, जिला प्रशासन वहां गलत काम करा है और जिला प्रशासन ने एक पक्षीय कार्रवाई करी है, इसलिए संज्ञान में उनके मामला लाए हैं, हम उनका निर्णय देखिए क्या होता है। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।